पाव देकर। हेलो, आज वही कॉलोनी, वही जगह, वही पटना जहां मैं बचपन मेरा बीता। एक टाइम था जब मैं इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था तो लोग भला बुरा बोलते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं फंसाने वाला काम करता हूं। आज वही लोग, मैं देखा हूं कैसे लोग बदलते हैं यार। मैंने सुना था कि लोग तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मैंने देखा आज कैसे बदल गए वो लोग। जो लोग कभी भला बुरा बोलते थे आज बदल गए। आज जब कभी मेरा पटना जाना होता है ना, तो जो बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं ना, वो अपने बच्चे को कहते हैं कुछ सीख ले, रोहित आया हुआ है, जीवन में कामयाबी चाहिए तो उससे कुछ सीख। और एक टाइम था जब वो कहता था ये फंसने फंसाने वाला काम करता है। तो देखो लोग ना, लोगों की जो लोग जो बोलते हैं ना, आप लोगों को चुप कराना आपके हाथ में नहीं है, उनको बोलने दो आप। आज वो क्या बोल रहे हैं, भला बुरा बोलते हैं, उनको बोलने दो। आपका जब रिजल्ट आएगा ना, जब आप कामयाब बनेंगे तो वो लोग बदल जाएंगे। जो आज भला बुरा बोल रहे हैं, कल के दिन आपके कामयाब होने के बाद वो बोलेंगे कि यार तूने बहुत अच्छा किया था कि तूने वो काम को स्टार्ट किया। आज मैं आपको ज्यादा कुछ सीख नहीं दूंगा, क्योंकि आप सुबह शाम रोज ट्रेनिंग लेते हैं अपनी कामयाबी के लिए। दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा के बताकर जाऊंगा। पहली चीज, किस बिजनेस में कभी भी चैलेंजेस परेशानियों से घबराना मत। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते थे, टैलेंट था उनके अंदर, लाइफ में बड़ा करने का भूख था उनके अंदर, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां चैलेंजेस मिलते हैं और वो क्विट कर जाते हैं, हार मान लेते हैं, फिर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। कभी भी ऐसा सोच आए तो उसको निकाल बाहर फेंकिए। परेशानी चैलेंजेस से कब तक भागेंगे आप, चैलेंज नहीं है। आपको आपके लाभ को जिसको भी याद कर लो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला, वो तो अरबपति खरबपति हैं, क्या उनके लाइफ में चैलेंज और परेशानी नहीं आता? एक किसान जो फसल बोता है, क्या उसके लाइफ में परेशानी चैलेंज नहीं आता? एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा होता है, क्या उसके लाइफ में चैलेंज परेशानी नहीं आता? तो कब तक भागेंगे? एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को कि चैलेंज और परेशानी, परेशानी का दूसरा नाम ही जिंदगी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। जब कभी इंसान का, जब हमारा, अगर आप देखोगे, जब कभी हॉस्पिटल में किसी का हार्ट का चेकअप होता है तो जो हमारी रेखाएं है ना, जो ग्राफ बनती है, वो ऐसा होता है, अप डाउन ऊपर नीचे। और ये जो आपका हार्ट का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इट मीन्स यू आर लाइव, आप जिंदा हैं। और जिस दिन आपका ये हार्ट का ग्राफ फ्लैट हो गया, इट मीन्स यू आर गॉन, मर गए आप। तो जीवन इसी का नाम है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा, घबराना मत कभी। हमारा टिकना जरूरी है, परेशानी से भागे नहीं आप, परेशानी हर जगह है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और फाइट कीजिए। और फाइट करने में आपको सबसे मददगार अगर कोई चीज साबित होगा तो वो है आपका एजुकेशन। अपने ज्ञान को बढ़ाएं आप। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता ना, तब हम घबराते हैं। सामने वाला एक सवाल पूछता है और हम भौचक्कर रह जाते हैं कि क्या जवाब दूं इसको। आपको इतना माहिर बनना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपने ठान लिया फाइनली कि मेरा करियर यही है, मैं अपने करियर को इसी में बनाऊंगा, मुझे इसी बिजनेस में लाखों कमाने हैं, अगर ये आपने ठान लिया है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बिजनेस को गहराई से सीखें आप। इसलिए सीखें कि जब कोई व्यक्ति आपसे इस बिजनेस को लेकर एक सवाल करे ना, तो उस एक सवाल का 10 तरह से कैसे जवाब दिया जाता है, यह आपके पास होना चाहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, परेशानी से भागे नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु को कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई ऐसा जगह बताइए जहां कोई परेशानी ना हो। उसके गुरु कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां परेशानी नहीं रहती, हर जगह परेशानी है, जीवन का नाम ही परेशानी है, वो तो आता जाता रहता है। उस शिष्य ने कहा, आप गुरु हैं, आपसे मैं जवाब की उम्मीद रखता हूं, दुनिया में कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पे परेशानी नहीं होगी। उसके गुरु बहुत देर सोचते हैं और बोलते हैं, हाँ एक जगह है, एक जगह है जहां पे कोई परेशानी नहीं होती। तो वो कहते हैं, मैं मुझे वहीं पहुंचा दीजिए, मैं वहीं रहना चाहता हूं, मैं परेशानी से उब चुका हूं। उसके गुरु कहते हैं, चल मैं उधर ही कहीं जा रहा हूं, मैं तुझे रास्ते में छोड़ता हुआ जाऊंगा। बहुत दूर जाते हैं, जाने के बाद एक बहुत बड़ी गेट आती है, उस गेट के अंदर वो गाड़ी लगाते हैं, लगाने के बाद अपने शिष्य को कहते हैं, नीचे उतर जा,
वो जगह आ गई है जहां पे कोई परेशानी नहीं है। वो जैसे ही चीज से बाहर आता है वो देखता है कि एक कब्रिस्तान है। क्या है? एक कब्रिस्तान है। वो कहता है गुरुदेव ये क्या, ये तो कब्रिस्तान है। तो बोलता है हाँ यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां किसी को कोई परेशानी नहीं है। सालों से सोए हैं सब, आज तक कभी किसी मुर्दे ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं लिखाया कि मैं सोया हुआ था और बगल वाले मुर्दे ने मुझे रात में उंगली किया। और नहीं तो जीवन में इसको एक्सेप्ट करो, इससे भागो मत। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब कभी चैलेंज मिले अपने अपलाइन से मिले आप, जब कभी चैलेंज फाइट हो रहा हो अपलाइन से मिले। अपलाइन 24 आवर्स तैयार है आपके लिए। आर यू रेडी? तैयार है आप? दुनिया का सबसे सिंपल करियर को आपने चुना है। अगर आप ऐसे सिंपल बिजनेस में भी आप डरेंगे, ऐसे सिंपल बिजनेस से भी कतराएंगे, तो इससे बहुत टफ टफ लाइफ बाहर इंतजार कर रही है। जहां पे 10,000 और 5,000 रुपए महीना कमाने के लिए आपको एड़ी चोटी का मेहनत करना पड़ेगा, और एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस आपके पास मिला है और उसको जब मिला है तो आप उसको गंवाए नहीं। अगर इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए आपको तो रोहित शर्मा आपको क्या बताएगा। अगर आप सच में ठान चुके हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए तो आपको एक छोटा सा बच्चा कामयाबी की 3 बहुत बड़ी बातें सिखा जाएगा। इतनी बड़ी बात कि अगर उस 3 बात पे आपने काम कर लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। कभी ध्यान से देखना किसी छोटे बच्चे को, आप बच्चे को देखना, बच्चा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, हमेशा खुश रहता है। देखा है आपने? हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। और बच्चा हमें सिखाता है कि जीवन में अगर सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो, टेंशन में मत बैठे रहो। एक गेस साथ छोड़ के गया एकदम, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एकदम दुनिया खत्म हो गया। मुस्कुराना सीखो। अगर एक गेस्ट आपके बिजनेस को मना करता है ना, तो उसको आप उदास होकर उसको विदा मत करो, बल्कि वहां पे आपको आपको हंसकर विदाई करना चाहिए, ताकि वो आप जब हंस के विदाई करोगे उसका ना, तो जाने के बाद भी याद करेगा कि आखिर वो हंस क्यों रहा था। क्या हंसना आता है आपको? जरा एक बार हंस के दिखाओ खुलकर। ये शाहरुख खान वाली खटखटिया हंसी मत हंसो, मैं बात कर रहा हूं खुलकर हंसने का। एक बार खुल के हंस के दिखाओ। बड़े कंजूस है यार। मैं लास्ट बार कह रहा हूं, जो खुलकर हंसेगा ना वही कल ग्लोबल डायमंड बनेगा। हंसो। थैंक यू वेरी मच। इस हंसी को कभी अपने होठों से जुदा मत करना, अपने होठों से इस हंसी को कभी जुदा मत करना। हमेशा मुस्कुराते रहो, परिस्थितियां कैसी भी हो हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखना। दूसरा, बच्चे को देखना। बच्चे हमेशा व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। घर में देखना बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, यहाँ का बर्तन वहां फेंकेगा, वहां का बर्तन वहां का वहां फेंकेगा, यहाँ का खिलौना वहां फेंकेगा। अभी नहला के बाहर निकालो, मिट्टी मुंह में लगा के घूमेगा। यस और नो? तो बच्चे हमेशा व्यस्त रहते हैं और वो आपको सिखाते हैं कामयाबी की दूसरी चीज कि व्यस्त बनो, अपने काम में डूब जाए, अपने बिजनेस को सीखने में, सिखाने में, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स को डेवलप करने में अपने आप को डुबा लें। आप अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, बोलते ना कहावत है, खाली खाली ना रखें। खाली रखोगे आपको तरह तरह का आपको गुमराह, आपको भटकने वाली चीजें आपको याद आएंगे। अपने आप को व्यस्त करो अपने एजुकेशन को बढ़ाने में। आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च करो कि क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड वाइड, जहां पर चल रही है क्या फ्यूचर है। लोग इस काम को करके अरबपति बन चुके हैं। आप सर्च करो, देखो आपके बिजनेस में न जाने कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी लाइफ को बदल चुके हैं इस ग्लेज में काम करके। अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं। तीसरा, बच्चे को देखना आप। बच्चे जिद्दी होते हैं। अगर गली में आइसक्रीम बिकने को आ जाए और आपके बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो खानी है मीन्स खानी है। आप उसको कितना भी समझा लो कि बेटा ठंड का मौसम है आइसक्रीम नहीं खाते, बुखार हो जाएगा, तेरे को जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो रोना स्टार्ट करेगा और वो सर पटक पटक के रोने लगता है कभी कभी, और लास्ट में आप क्या करते हो, खरीद के दे देते हो, और वो आइसक्रीम पूरा खाता भी नहीं है, थोड़ा खाएगा बाकी फेंक देगा वो, क्योंकि उसका मकसद आइसक्रीम खाना नहीं था बल्कि आइसक्रीम खरीदवाना था। तो बच्चे आपको सिखाते हैं कि जीवन में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो जिद्दी बनो। क्या आप जिद्दी बनने को तैयार हैं? जिद्दी बने, जिद पकड़े कि मैं इस बिजनेस में एक दिन कामयाब बनूंगा। आर यू रेडी? दोस्तों, जाते जाते
एक कविता सुनाकर जाता हूं।